भाई अभी जो है मैं नीलकंठ मंदिर से जल चढ़ा कर निकल चुका हूँ और एक छोटे से रेस्टोरेंट पर रुका हूँ चाय पानी नाश्ता के लिए। दोनों बोले रुके हुए मैं राजी हूँ और हम लोग जब गए थे तभी रेली के पास चाय तो हमें चाय बहुत अच्छा लगा था जिसके कारण हम लोग फिर दोबारा इन्हीं के पास रुके हैं चाय पानी के लिए। और बाकी सब बढ़िया भी चल रहा है, आगे देखते हैं क्या चल रहा है। किलोमीटर तक ऐसे डलाना है। तो ये एक और झक्कास चीज दिखाऊं क्या? दिखा भाई, बहुत मजा आ रहा है वाकई में। अगर आप लोग आते हैं नीलकंठ जरूर मजे लेना यार, जैसे मैं ले रहा हूँ। इतना मजा आ रहा है कि मैं बता नहीं सकता। देखो जैसे मैं झरने के बीच में खड़ा हूँ, आगे बहुत लंबा झरना ही आ रहा है। देखो पानी फेंक रहा है भोला तेरे ऊपर, तो मजा बहुत आ रहा है वाकई में। ओ हो हो, चलो बोले और आगे देखते हैं कुछ मिलता है तो। बड़ा बहुत मतलब बहुत मजा आ रहा है। अगर आप लोग नीलकंठ आते हैं ना तो सबका मजा जरूर लेना। मैंने भी अभी आज तक इतना सब मजा नहीं लिया था, लेकिन राजू भोले के साथ आकर के बहुत मजा आ रहा है और बहुत मजे ले रहा हूँ मैं भी वाकई में। तो फिलहाल भाई अभी मैं आ चुका हूँ ऋषिकेश, और ऋषिकेश पे मैं एक और झक्कास चीज आपको दिखाना चाहता हूँ। गंगा मैया को उबाल देखो, सीधा धरती से कनेक्ट होकर लग रहा पानी फेंकने। इधर दिखाने जा रहा, ये देखो भाई, अगर भगवान ने अपने बाई चांस कोई इसमें गिर गया, कोई जानवर भी गिर गया, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें वापस निकल पाएगा, निकालना जा पाएगा। जगह जगह देखो आप कैसे उबाल मार रहे हैं भाई, इतना खतरनाक लग रहा है ना मुझे रैंप पे खड़े होने में। यहाँ पे इतना खतरनाक कि मैं सोच रहा हूँ कि बस एक दो मिनट का ये व्यू ले लूँ और उसके बाद निकल लूँ यहाँ से। पूरा दिखाना कहाँ तक है गंगा मैया का, ये देखो। और सेम इस साइड भी है, इस साइड दिखाना, सेम इस साइड भी है। ये देखो पुल से घिरा हुआ है जो कि दिख लेगा, सेम इस साइड भी ऐसा ही है। और इधर देखो भाई, इधर तो एक अलग ही सीन लग रहा है। सबसे खतरनाक सीन यहाँ हमारे नीचे लग रहा है, जगह जगह उबाल हो रहा है। देखो भाई, अभी जो है हम लोग वापस हरिद्वार आ चुके हैं नीलकंठ से, और आकर के एक बार और गंगा जी में स्नान कर चुके हैं। देख लो भीगे भीगे, और ऐसे ही जाएंगे अब दिल्ली तक हम लोग भीगे भी गए। तो अब जो है मैं और भोला दोनों निकल रहे हैं दिल्ली के लिए, और ऐसे ही भीगे भीगे ही पूरा, थोड़ा कूलिंग रहेगा, मजा आता रहेगा पूरे रात। बाइक चलाने में मजा आएगा फिर। चलो चलो, हाँ दिखा दो शंकर जी भी हमारे प्रभु। चलो बोले तो
कितना है वेदों का फिल्म टावर ये था, और सबसे ज्यादा तो यार अच्छा लग रहा है ये डाक टावर वालों को देख करके जो कंटिन्यू दौड़ते रह रहे हैं, क्योंकि उनको शायद 12 या 24 घंटे के अंदर जल चढ़ाना होता है, वो तो मुझे नहीं पता। किसी किसी का ऐसा होता है कि 8 घंटे के अंदर भी जल चढ़ाना होता है, मैंने उससे पूछा था वहाँ पे डाक टावर वाले से। इनको देखो कंटिन्यू ये बंदे दौड़ते रहते हैं, और इनको दौड़ते दौड़ते जाकर सबके साइड से जल चढ़ाना होता है। मैं पिछले 5 मिनट 10 मिनट से ही बैठा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ, और बड़ा अच्छा लग रहा है, तो मैं सोचा इसको भी थोड़ा कैप्चर करूँ। Thank you.